हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम षष्ठी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है कर्तृ कर्मणः कृति। बच्चों, यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 65वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है, कृत योगे कर्तृ कर्मणि च षष्ठी विभक्ति ही भवति। कृदंत शब्दों का प्रयोग होने पर उनके योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बच्चों, सूत्र बड़ा ही सरल है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रत्यय धातु के परे लगते हैं, धातु के परे कृत प्रत्यय लगते हैं तथा इनसे जो शब्द बनते हैं वे कृदंत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का कोई उदाहरण, जैसे बच्चों अक्त्वा, तुमुन, णौल, युच, युट, तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि, ये सभी कृत प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के पीछे लगते हैं तथा इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं और कृदंत शब्दों का प्रयोग होने पर कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। कालिदास की रचना है। बच्चों, प्रस्तुत उदाहरण में रचना, यह रच धातु धन युच से रचनम बना है तथा टाप प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग में रचना यह शब्द बना है। कालिदास की रचना है। यहाँ रचना कृदंत शब्द है तथा इसका कर्ता कालिदास है। रचना का कर्ता कालिदास है, अतः कालिदास में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ तथा हमारा वाक्य बना कालिदासस्य रचना अस्ति। ईश्वर की कृति है, कृति है। कृति बच्चों, क्री धातु के परे अक्तिन प्रत्यय लग करके बना है। यह स्त्रीलिंग में सिद्ध होता है। कृति कृति ही बनता है, ईश्वर की कृति, क्योंकि कृति यह कृदंत शब्द है तथा इस कृति का कर्ता ईश्वर है, अतः ईश्वर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा वाक्य बना, संस्कृत अनुवाद हुआ, ईश्वरस्य। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। राम की षष्ठी क्या बनती है? रामस्य। ईश्वर की क्या बनेगी? ईश्वरस्य। ईश्वरस्य कृति ही अस्ति। तो यह तो हमने पढ़ा कृदंत शब्द के कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं कृदंत शब्द के कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। जैसे कृष्ण जगत के कर्ता हैं। बच्चों, कर्ता यह पद कृदंत है तथा क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके बना है। कर्ता का कर्म जगत है, अतः इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कृष्ण है, जगत है। बच्चों, जगत शब्द तकारांत नपुंसक लिंग होता है तथा इसकी षष्ठी जगतः बनती है। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों।
आत्मन की षष्ठी क्या बनती है? आत्मन है, जबकि आत्मन पुल्लिंग होता है। परंतु व्यंजनांत अर्थात हलंत शब्दों से लगभग एक समान ही शब्द रूप चलते हैं। तो जगत है कर्ता, कृष्ण है अस्ति। ठीक है, कर्ता जो है आपको समझ में आ गया, कर्ता कौन है? कृदंत। कर्ता ने बनाया है जगत को, अतः इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे बच्चों समझ में, कृदंत शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र से नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों, उभय प्राप्तौ कर्मणि। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 66वां सूत्र है बच्चों। वृत्ति इस प्रकार से है, उभयोः प्राप्तिर यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। उभय प्राप्तौ, दोनों के प्राप्त होने पर, एक ही वाक्य में जब कर्ता और कर्म दोनों विद्यमान है तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। आश्चर्य है, गायों का अगो के द्वारा दुग्ध दोहन। बच्चों प्रस्तुत उदाहरण में अगोप के द्वारा, यह अनुक्त कर्ता है। यह क्या है? अनुक्त कर्ता। दुग्ध दोहन में जो दोहन है इसमें ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय से बना यह पद है दोहनम। तथा जो कृदंत शब्द बना, इस कृदंत शब्द का गायों का, यह तो कर्म है, अगोप जो है यह कर्ता है। एक ही वाक्य में कर्ता तथा कर्म दोनों उपलब्ध हो रहे हैं, अतः कृदंत के योग में दोनों में षष्ठी का विधान है। परंतु यहाँ पर उभय प्राप्तौ कर्मणि यह सूत्र कहता है, जहाँ कर्ता तथा कर्म दोनों प्राप्त हो वहां पर कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म में षष्ठी विभक्ति कह रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कर्ता ने कर्म को, यह अभिप्राय नहीं है। कर्म कहने का अभिप्राय है कृदंत शब्द का कर्म। ठीक है, कृदंत शब्द के कर्म अर्थात गायों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा वाक्य क्या बना? आश्चर्यो अस्ति ए गोपेन गवाम दुग्ध दोहनम। बच्चों जब हम दुह धातु से घय प्रत्यय करते हैं तो दोहय बनता है। संस्कृत में दुह धातु होती है दोहन करने अर्थ में। जब दुह धातु से घय प्रत्यय लगता है तो दोहय बनता है। दोह कृदंत का कर्ता एगोप है तथा गाय कर्म है। कृदंत का कर्म गाय है, अतः गायों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्या वाक्य बनेगा बच्चों? आश्चर्यो गवाम दोहो ए गोपेन। ठीक है बच्चों, आश्चर्य है गायों का दोहन करना ए गोप के द्वारा। ए गोपेन यह हमारा कर्ता है,
तथा कर्तृकर्ण्यो तृतीया से, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है अनुक्त कर्ता में। और गवाम यह दोह का कर्म है, अतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। आश्चर्य है अप्रशिक्षित के द्वारा वायुयान चालन। प्रस्तुत उदाहरण में चालन चल धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर बना है, कृदंत शब्द है। कृदंत शब्द होने से वायुयान का चालन, जो कृदंत का कर्म है वायुयान, तथा कर्ता है अप्रशिक्षित। यहां पर क्योंकि एक ही वाक्य में कृदंत के कर्ता तथा कर्म प्राप्त हो रहे हैं, अतः उभय प्राप्तो कर्मणि इस सूत्र से वायुयान अर्थात कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यह वायुयान कृदंत चालन का कर्म है, अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता होने से कर्तृकर्ण्यो तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा वाक्य है, हमारा संस्कृत अनुवाद बना आश्चर्यो अस्ति अप्रशिक्षितेन वायुयानस्य चालनम्। कर्तृकर्मणोः कृति, यह सूत्र कृत प्रत्यय से बने शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है, तथा उभय प्राप्तो कर्मणि, यह सूत्र कृदंत शब्द के योग में जब कर्ता तथा कर्म दोनों ही प्राप्त हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह विधान करता है। इससे संबंधित अन्य सूत्र हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू।